हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी का नाम सूखे सफ़ेद छोले, जो कि पंजाबियों के खास होते हैं और ये किसी भी मौके पर बनाए जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने जो सूखे छोले बनाने हैं उसकी सामग्री इस प्रकार है। एक कटोरी सफ़ेद छोले, दो बड़े टमाटर कद्दूकस किए हुए, दो बड़े प्याज कद्दूकस किए हुए, दो बड़े चम्मच रिफाइंड, आप इसकी जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा चम्मच चना मसाला, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चौथाई धनिया पाउडर, एक चौथाई हल्दी और दो चम्मच नमक, आप स्वाद अनुसार कमती बढ़ती कर सकते हैं। इसमें एक चम्मच नमक छोले उबलते समय डालने के लिए है और एक चम्मच हम जब सब्जी बनाएंगे उसके लिए। चलो फ्रेंड्स, अब हम छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने जो एक कटोरी छोले लिए थे वो हमने पूरी रात भिगो के रखे थे। देखो, अब हमारे छोले फूल गए हैं। अब हम इसको कुकर में उबालेंगे। इसको अब हम कुकर में डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर हमने एक कटोरी छोले लिए हैं तो इसमें हम अब दो कटोरी पानी डालेंगे उबालने के लिए। देखिए, हमने इसमें दो कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें एक चम्मच नमक डाल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इनको आपस में मिक्स कर देंगे। अब हमने इसको इसका ढक्कन बंद करना है। इसका अब हम ढक्कन बंद कर रहे हैं। इसको हमने अब दो सीटी दिलवानी है फुल गैस पे। इसको हमने सीटी के लिए गैस पे रख दिया है। चलो फ्रेंड्स, हमारे छोलों को दो सीटी आ गई हैं। हम चेक करते हैं कि हमारे छोले गले हैं या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे छोले गल कर तैयार हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमने कढ़ाई ले ली है। इसमें हमने ये दो बड़े चम्मच रिफाइंड लिए हैं, आप इसकी जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसे गरम होने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। हमारा रिफाइंड गरम हो गया है। हमें प्याज को भूनना है जब तक ये हल्के ब्राउन रंग के ना हो जाए। इसको साथ साथ चलाते रहना है। फ्रेंड्स, हमारे प्याज भूनकर ब्राउन रंग के हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। ये दो बड़े टमाटर हैं और इसमें अब हम साथ साथ ही ये सब मसाले ऐड कर देंगे। इसमें अब हमने हरी मिर्च और ऐड की है। ये नमक है, इसमें एक चम्मच नमक डालना है। इसमें फ्रेंड्स, अब हम लाल मिर्च डाल रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं, चना मसाला, धनिया पाउडर, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें इसको तब तक भूनने देना है जब तक ये लाल रंग का ना हो जाए और इसमें से ये घी अपना सेपरेट ना करने लग जाए। इसको साथ साथ चलाते रहना ताकि इसका कहीं नीचे सेक ना लग जाए। फ्रेंड्स, देखिए हमारे इस मसाले ने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें ये उबले हुए छोले जो हमने अभी उबाले हैं इसमें मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि मसाला इसमें अच्छे से चला जाए।
इन छोलों में हाथ चलाते रहें ताकि ये छोले नीचे से लग ना जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए सेम गैस पे पकने दें ताकि ये जो मसाला है इन छोलों में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखो फ्रेंड्स, हमारे छोले बनकर तैयार हो गए हैं। देखो इसका कितना प्यारा रंग आया है। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसको अब हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।